बारिश के देखो नीतीश कुमार शुरू हो गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज शिवा। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज मैं आ चुका हूँ गांधी ग्राउंड में। गांधी ग्राउंड में श्री योगी आदित्यनाथ जी आने वाले हैं आज हमारे यहाँ पे, क्योंकि चार तारीख को नगर निगम का चुनाव है और मेयर पद का चुनाव है, तो उसका प्रचार करने के लिए श्री योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद के रामनीर ग्राउंड में आ रहे हैं और मैं अभी खड़ा हूँ रामनीर ग्राउंड में। और यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से इतनी भीड़ हो रही है। अब सामने ये है इधर मंच जहाँ पे श्री योगी आदित्यनाथ आएंगे, और अभी अब थोड़ा उनका आने का वेट है, तो अभी थोड़ी देर लगेगी जब आएंगे। फिलहाल कुछ इस तरीके का यहाँ पे व्यू है, चारों तरफ देख सकते हो। तो देखो गाइस कितनी भीड़ है यहाँ पे, और सामने है मंच जहाँ पे श्री योगी आदित्यनाथ जी आएंगे थोड़ी देर में। अभी उनका इंतजार हो रहा है, तो अभी आए नहीं है। और यहाँ पे बीजेपी कार्यकर्ता के काफ़ी लोग हैं। भीड़ देखो, जो अंदर है वो वहाँ पे चेकिंग के पास जा रहे हैं, और लेकिन बाहर की साइड में सब लोग जनता कर रही है। अभी वो आने वाले हैं तो भीड़ और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी फिलहाल इतनी भीड़ नहीं है। तो गाइस यहाँ पे देखो कार्यकर्ता, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वे लोग आ रहे हैं, और देखो ढोल बजाते हुए ये लोग आ रहे हैं। ये सब लोग योगी जी का प्रचार करने के लिए अंदर आए हैं, उनका सपोर्ट करने के लिए सब अंदर आ रहे हैं। और यहाँ पे एंट्री पॉइंट बना रखा है, तो यहाँ पे एंट्री हो रही है। पुलिस प्रशासन का काफ़ी सख्त बंदोबस्त है, ताकि कोई भी ऐसे ऐसी स्थिति कर रहा हूँ। और सामने वाले मंच पर बैठे हैं हमारे नगर विधायक श्री रितेश गुप्ता जी, और इसके अलावा जो मेयर हैं वो विनोद अग्रवाल जी, और इसके अलावा जो गणमान्य नेता हैं वो सब लोग यहाँ पे बैठे हैं। जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं सब लोग इस मंच पर बैठे हैं। अभी योगी जी का इंतजार हो रहा है, वो अभी आने वाले हैं। तो उससे पहले देखो कितनी भीड़ हो रही है यहाँ पे पूरे, इस पर यहाँ पे पंडाल वगैरह लगाया गया है यहाँ पे, ताकि जो बारिश का मौसम से बारिश से बचा जा सके। कल रात बहुत बारिश हुई थी और पूरे रामनी ग्राउंड में पानी भर गया था, लेकिन प्रशासन की वजह से सब कुछ निकाल दिया गया है पानी को, और अभी फिलहाल कुछ ऐसा नहीं आ रहा है यहाँ पे। मुख्यमंत्री जी का काफिला आ चुका है यहाँ पे, और बारिश भी देखो नीतीश पड़ना शुरू हो गई है। बारिश भी बहुत तेज पड़ना शुरू हो गई है। यहाँ पर मुख्यमंत्री जी का काफिला आ चुका है। देखो गाड़ियाँ अंदर रामनी ग्राउंड के अंदर आ गई हैं, और इनमें से ही कोई गाड़ी श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की है, और ये मंच की तरफ जा रहे हैं। और बारिश भी बहुत तेज पड़ना शुरू हो गई है। देखो यहाँ पे देखो कितनी गाड़ी आ रही है। मुख्यमंत्री जी का मंच की तरफ जा रहा है। राय श्री योगी आदित्यनाथ जी देखो आ गए हैं यहाँ पे मंच पे, आ चुके हैं, और सामने आप जो बीचों बीच देख रहे हैं वो श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, और वो मंच पे पधार चुके हैं। जस्ट अभी अभी इनका काफिला आया है यहाँ पे, और भीड़ देखो कितनी आई है यहाँ पे। भीड़ देखो, भीड़ देखो गाइस यहाँ पे कितनी, और मुख्यमंत्री जी सामने हैं, बैठे हैं मंच पे। मैं झूम कर के फूल दिखा रहा हूँ आपको, बीचों बीच ये बैठे हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी। देखो गाइस मुख्यमंत्री जी का स्वागत हो रहा है, मुख्यमंत्री जी का स्वागत हो रहा है सामने। मुख्यमंत्री जी का स्वागत है, और पीछे पीछे श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बैठे हैं, मुरादाबाद के रामनगर ग्राउंड में बैठे हैं। गाइस मंच पे श्री योगी आदित्यनाथ जी आ चुके हैं, और इस टाइम मंच पे अपना अभिवादन दे रहे हैं, और वहाँ पे भाषण दे रहे हैं, अपना वक्तव्य संबोधन दे रहे हैं यहाँ पे। और देख सकते हो कितना ही, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ,
ये है श्री योगी आदित्यनाथ जी बोल रहे हैं और यहाँ पे भीड़ भी बहुत हो रही है। देखो भीड़, देखो गाइस यहाँ पे कितनी भीड़ है। से बोल रहे हैं ये सामने गाइस, देखो कितनी भीड़ हो रही है यहाँ पे। और श्री योगी आदित्यनाथ जी वहाँ से अपना संबोधन दे रहे हैं और इस टाइम ये रैली रामलीला ग्राउंड में लग रही है मुरादाबाद के, क्योंकि 4 तारीख को नगर निगम का चुनाव है। तो महापौर श्री विनोद अग्रवाल के पक्ष में विरोध डालने के लिए श्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पे आए हैं और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के। और यहाँ पे फोर्स खड़ी है असम श्री योगी आदित्यनाथ जी मंच पे हैं, वहाँ से अपना अभिवादन दे रहे हैं और हम खड़े हैं बैरिकेडिंग के इधर की साइड में। बाहर की साइड में बहुत ज़्यादा पब्लिक है और इधर की साइड में भी बहुत ज़्यादा पब्लिक है, देख सकते हो। तो गाइस यहाँ पे देखो कितनी भीड़ हो रही है रामलीला का चौतरा, यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का यहाँ पे भीड़ है, रामलीला के चारों तरफ भीड़ भीड़ हो गई था। तो गाइस आप देख सकते हो कि कितनी भीड़ आई हुई है रामलीला ग्राउंड में, यहाँ पे श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दौरे पर कितनी भीड़ आई है, मुरादाबाद की पब्लिक ही पब्लिक है रामलीला ग्राउंड के चारों तरफ। तो गाइस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जा चुके हैं और वो आप देख सकते हो कितनी भीड़ आई थी। अब यहाँ से पब्लिक जो है अपने घर जा रही है और पुलिस प्रशासन की बहुत व्यवस्था थी यहाँ पे और देख सकते हो कितनी भीड़ है रामलीला ग्राउंड से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जा चुके हैं। तो गाइस ये थी ब्लॉग और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भाषण कम्प्लीट हो चुका है। अगर वीडियो छोड़ दे, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे अच्छे ब्लॉग में लाता रहता हूँ। थैंक यू।